अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हम कोई हल निकालेंगे, तुम घबराओ मत। मेरे मन में कैसी कैसी शंकाएं हो रही हैं। इस जहरीले कांटे को तो निकालना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में खुशियां आई है। आप तो जानते हैं, फिर भी एक शंका है। मेरी और आपकी शादी गलत तो नहीं है ना? इससे हमारे वंश की वेल ना टूट जाए। नहीं, ये तो सब भगवान के हाथ में होता है। फिर भी हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। मेरी एक बात सुनो, मेरी इतनी ही विनती है कि युद्ध का शंख मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले ना बजे। ये नहीं हो सकता। जूनागढ़ को एक वारिस की सख्त जरूरत है, वो हमें देना ही होगा। मेरी इतनी विनती मान लो मेरे भगवान। सोरठ, तुमने तो मेरी जुबान ही बंद कर दी। तो क्या मुझे निराशा मिलेगी माँ? पूर्ण भोग दो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राह के बदले राह मिलेगी। माँ, चाहे जो हो जाए पर मुझे खुशियाँ दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जूनागढ़ को वारिस मिलेगा और तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। कौन? सामन तुम? और इस तरह? हाँ हाँ, तेरे लिए आया हूँ बहन। वो तेरी सौतन को गर्भ ठहर गया है। जो इसको बेटा पैदा हो गया तो उसी दिन से सोरठ के रास्तों में भटकते नजर आएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक तांत्रिक से मिला हूँ, वो एक तंत्र विद्या का उपासक है। अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। पर वो कैसे? वो भयानक तांत्रिक बड़ा भयानक लगता है। अब सुनो, ना रहेगा सोरठ और ना रहेगा राजा। इसको इसी तरह रानी के पेट से बच्चा बाहर नहीं आ सकता जब तक इस मटके को ऊपर से ये कपड़ा हटा नहीं लेते, तब तक उस रानी को बच्चा नहीं हो सकता। मेरा तंत्र है रामबाण। मैं तो आपका दास हूँ, पर काम पूरा होते ही मैं आपको मार। मूर्ख, मुझे लालच देता है। नहीं महाराज, सोरठ का काम अभी बाकी है। ये देख महाराज, ये तो मोम का पुतला है। लेकिन ये सोरठ का है। ये मंत्र विधि से तैयार किया गया खून का एक कतरा, इस पर पड़ जाएगा तो जिंदा हो जाएगा। जयदेव, आज हम बहुत खुश हैं। आज तुम्हें जो चाहिए वो बेझिझक तुम हमसे मांग सकते। महाराज, आपके पास नहीं, भगवान सोमनाथ के पास, कि आपने हमारी लाज रख दी, कि हर जन्म में आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिले। जयदेव बहन। जयदेव मेरे भाई, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? बहन, तेरा आशीर्वाद रूपी ये रक्षाबंधन मेरी मदद करता है। ये पूरी जड़ का मूल वो एक, मुझे पता है वो कौन है। चावड़ी, आइए सोरठ, आइए। आज तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जिसने जो कुछ भी मांगा है मैंने उन्हें सब कुछ दिया है। अब सिर्फ तुम ही बाकी हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आपने मुझे क्या नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो फिर मैं मांगू? मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो बेझिझक मांगो। आज से 9 दिनों तक आप घर के बाहर कदम नहीं रखोगे, आप नजरबंद रहोगे। मेरे सिवाय आपको कोई मिल नहीं सकता,
घर के अंदर भी और बाहर भी। मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा, पर अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ। आज से 10वें दिन बाद हम शिव मंदिर में हवन करेंगे। सोरठ, पन्ना। जी महाराज। 9 साल से विजय पाने की आशा में बैठा हुआ हूँ, तो भी कोई जीतने की आशा है, पर फिर भी मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। पन्ना, ऐसा चक्रव्यूह रचो के वो हार जाए। पन्ना को कहना नहीं पड़े, मैं भी काला जादू जानती हूँ। ऐसे किसी खेल की चाल चलो। जी महाराज, काली कौड़े के पासे फेंकने से हमारे मन की बात होती है। शाबाश, तुम मगर जो जीत गई तो आधा गुजरात तुम पर न्योछावर कर दूंगा। धन दौलत की मैं भूखी नहीं हूँ महाराज, मुझे मेरी हार का बदला जीत में चाहिए। बीजल को हराने से राहत कैसे मिलेगी? सुनो, एक दो तीन चार, महाराज मैं जीत गई। पन्ना, तू जीत गई? क्या बोलता है बीजल, तूने राजा के नाम से खेला है, अब तुझे पन्ना की बात माननी ही पड़ेगी। आपको राजा का राज्य चाहिए तो बोलो, राजा की कितनी भी बातें कबूल करवानी हो तो भी बेझिझक बोलो। राजा दे सके ऐसी कोई भी चीज मैं लाके दे सकता हूँ। हमें राजा के राज्य की जरूरत नहीं है, वैसे आपके राजा से हमें कोई कबूलात भी नहीं करवानी, और पन्ना की बातें तो राजा मान सके वैसी ही है। पन्ना, ये जीत तुम्हारी है, निसंकोच तुम अपनी पसंद की चीजें मांग लो, राजा तुम्हें देंगे। आपकी इजाजत है तो मैं मांग लूं। मुझे चाहिए राजा का सर, जूनागढ़ के राजा और उनका मस्तक, भले वो धड़ के साथ हो अथवा ना हो। ये तुमने क्या मांगा? राजा का सर? सर कोई मांगने की चीज होती है? राजा को जिंदा कौन ला सकता है? हम कहाँ कह रहे हैं कि जिंदा लाओ, हमें तो खाली उनका सर चाहिए। क्यों पन्ना? बस यही मेरी इच्छा है, नहीं देना तो ना कह दो, तो हम समझ लेंगे कि आप झूठे हो। विजय जी, मैंने आपसे कहा था ना, दाल में कुछ तो काला है, इससे अच्छा तो तुमने मुझे मरने दिया हो तो बेहतर होता। चुप कर बदमाश, नहीं तो तेरी जबान खींच लूंगा। महाराज, महाराज आपने मेरी जिंदगी जहर बना दी। जिनके चरणों में हमारा सर प्रसन्नता से झुक जाता है, ऐसे मेरे प्रियजन की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? तू यूं ही दुखी हो रहा है बिजल, तुझे हत्या थोड़ी ही करनी है, तुझे तो उस दानवीर से उसके सर का दान मांगना है, समझे? और अगर तुझे श्रद्धा ना हो, और अगर मित्र भाव रखने वाला राजा तुझे अगर वापस भेज दे तो क्या? तो हम सब भूलने के लिए तैयार हैं, सिर्फ तू ना कह दे और कबूल कर कि राजा के नाम पे तूने मित्रता नहीं की थी। तू झूठा, तेरा राजा। महाराज, महाराज उसके आगे एक शब्द ना कहे। बहन, बहन मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आप कहो तो मेरा सिर काट के रख दूं, पर मुझसे ये काला काम मत करवाइए। यानी तुम्हारा मानना है कि मैं खिलौने मांग रही हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे अपमान का बदला मैं हार को जीत में बदलवा दूंगी, आज ये शुभ अवसर आ गया है, बोलो मुझे क्या जवाब देना है? इस ब्राह्मण की आत्मा विभाजे आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। मैं अपना वचन निभाऊंगा, राजा का सर लेकर ही आऊंगा। वंदन हो देवी पुत्र, क्यों आना हुआ? राजा के दर्शन के लिए आया हूँ। भाई, किसी कारणवश राजा आपको अभी नहीं मिल सकते, अगर आप बुरा न माने तो अतिथि घर में राजा का मेहमान बनकर उनकी सेवा का लाभ ले सकते हैं। जय हो सेनापति की। अरे तू, और अभी इधर। अरे मूर्ख, तुम तो
तुम अचानक कैसे आ रपके? तुम्हारे फिकर में तो मैं आधी सी हो गई। जैसी बातें बात न करना, मुझे सबसे पहले सोरठ के राजा को समाचार देना है। पर अंदर तुम्हें घुसने कौन देगा? क्यों? उनकी महारानी ने उन्हें 10 दिन के नजरबंद में रखा है, इसलिए उनको मिलना मना है। सबसे पहले मुझे ये बता कि वो बिजलगढ़ तो यहाँ नहीं आया था ना? हाँ, आया है, पर उसे मेहमान घर में रखा है। मेहमान घर में? पर महाराज को तो नहीं मिला ना? तुम्हें एक बार कहा ना, महाराज 10 दिन तक नहीं मिल सकते। चलो अच्छा हुआ, शांति हो गई। अरे सुंदरी, वो बहुत काला काम करने के लिए आया है, कल सुबह उसको रोक लेंगे। मतलब क्या? मतलब तेरा बाप, वो बिजल गढ़वी। चल अभी। कौन? ये हमारे जादूगर बिजल गढ़वी तो नहीं है? जी महाराज, मैं ही हूँ। आखिरकार तुम आ ही गए, आओ ऊपर आओ। महाराज, आपके अनुचर ऊपर आने के लिए मना कर रहे हैं। असंभव, देवी पुत्र के लिए तो हमारे द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। मैं अभी सैनिक भेजता हूँ। अमर सिंह, नीचे बिजल घड़वी खड़े हैं, जाओ उन्हें सम्मान के साथ ऊपर लेके आओ। अमर सिंह, तुमने हमारा कहा सुना नहीं? कहा महाराज, पर महारानी का हुक्म है कि कोई भी अंदर नहीं आने पाए, फिर वो कोई अपना हो या पराया। मतलब तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? ऐसी हिम्मत हमें कहाँ है महाराज, हम किसकी बात सुने, आपकी या महारानी की? ठीक है, तुम जाओ। जी महाराज।